Yes. Good morning, Samir. Samir, are you new one? Samir? Yes, Samir. Are you new one? Yes. Okay, Samir. So, Samir, हमने prokaryotic cell complete कर दिया है. And we have all we have and finished prokaryotic cell. Few topics were there कि जो मैं आज discuss कर दूंगी so that कि prokaryotic cell complete. Next अभी हम जैसे मुझे लगता है आज से start हो जाएगा हमारा eukaryotic cell. तो आप वहां से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम विद दैट. बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट होने के बाद अब बच्चे यूकैरियोटिक से नए बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बिकॉज ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक सेल इज अ बेस, पर फिर भी यूकैरियोटिक में मैं उसको कवर करते हुए चलूंगी. फाइन. ओके, 43 पार्टिसिपेंट, दैट्स गुड. यस मैम, शी इज समीरा. ओके सॉरी, मुझे ना बहुत जल्दी होती है सो पढ़ने की. समीरा ओके, यस राइट, शी इज समीरा. यस ओके ओके, वेरी नाइस नेम समीरा, बहुत अच्छा नाम है आपका. अच्छा, मेरा सेल्स गुड मॉर्निंग. तो टेल मी हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब? सब ठीक है? फाइन फाइन. स्टडीज एंड एवरीथिंग, हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है ना? ओके फाइन. चलो हमारे फ्यू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोटिक सेल रिमेनिंग थे समवॉट, बट दैट पॉइंट्स आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. बट जैसे कि मैंने आपका अगर स्टेट की बुक को रेफर किया है या एनसीईआरटी को, तो इसके इन टॉपिक के बेसिस पे हार्डली 3, 2, 3, 3, 4 ऐसे लाइनिंग्स है. तो हम इसको कवर कर लेते हैं बिकॉज मैंने इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में भी देखे, ठीक है, और आपके स्टेट लेवल में भी आते हैं. ठीक. अब एवरीथिंग इज फाइन, ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक, चले आगे. यस मैम. यस मैम. मैम ओके. सो फोर शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. हाँ, अर्लियर इन अर्लियर क्लासेस, इन वेरी इनिशियल क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेवरल शेप्स ऑफ सेल, राइट? In earlier classes, we have discussed about several shapes of cell. Some are we can say disc shape. Some are disc shape. Some are disc shape. Some are columnar shape, column like. Some are spindle shape. Some are round shape. Or some cells are ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग है, ठीक है, समवॉट लॉन्गेस्ट. ऐसे हमने शेप ऑफ सेल देखे थे एंड दैट शेप ऑफ सेल इज विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिममली यूकैरियोट्स. इसके बेसिस पे थे यूकैरियोट्स पे. इन जनरल हमारे बॉडी में, एक ही पर्सन के बॉडी में आपके अलग अलग टाइप शेप के सेल मिलते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइप, टाइप की बात करूंगी तो टाइप तो अलग होती, टाइप तो यूकैरियोटिक सेल है ना. यूकैरियोटिक सेल ऑब्वियसली यूकैरियोट्स में तो टाइप तो एक ही रहेगा अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें. आई एम टॉकिंग अबाउट सेवरल शेप ऑफ सेल, ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया था. आज हमें क्या देखना है, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, यस सिद्धेश, हाँ, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फोर सेवरल, बच्चे एडमिट हो ही रहे, फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. मैं बैक्टीरिया के बेसिक शेप्स की बात करूं, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट्स, राइट? अब बैक्टीरिया may vary greatly in shape and size. Yes, as you already know, कि साइज के बेसिस पे माइक्रोप्लाज्म को देखा था कि बहुत कम छोटा, बहुत छोटा साइज है, दैट इज 0.1 माइक्रोमीटर. और उस बेसिस पे आगे आगे समवॉट साइज इंक्रीज होता है, तो हर किसी बैक्टीरिया का समवॉट साइज एक पर्टिकुलर माइक्रोमीटर में रहेगा, फाइन. बट उनकी शेप भी तो वेरी होते हैं,
they have variety of shapes also. So what are the four basic shapes? What are the four basic types of shape that are mostly present in bacteria? Mostly present in bacteria, I'm talking mostly. Okay? So they, that is what bacillus is, somewhat rod-like shape. Cocci, somewhat spherical. Vibrio pollenii, somewhat comma-like shape. And spirillum, somewhat this kind of structure, spiral type. These four are the basic shapes of bacteria. ठीक है, तो आपको समझाना वो शेप ऑफ सेल दैट इज विद रिस्पेक्ट टू यूकेरियोट था, और यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं फोर बेसिक शेप्स था, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, बैक्टीरिया. ठीक, तो दीज आर व्हाट, कोकाय मींस कोकस, अगर हम सिंगुलर बात करें तो कोकस कहेंगे, दैट इज स्फेरिकल इन शेप. रॉड शेप, दैट इज बैसिलस. इफ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगुलर प्लूरल, तो वी कॉल इट एज बैसिलाई. ठीक, सिद्धेश सेज की रॉड शेप, हाँ सिद्धेश, दिस इज अ बैसिला, दैट इज अ रॉड शेप, बट देर आर फ्यू अदर अदर शेप्स आल्सो. ठीक है, सम आर स्पिरिला, स्पाइरल, स्पाइरल काइंड ऑफ अरेंजमेंट हैविंग फ्लैजेला एट देयर एंड. ठीक है, एंड सम आर कॉमा शेप, दैट वी कॉल इट एज विब्रियो. क्योंकि फोर बेसिक शेप्स आपको पता होने चाहिए और हर किसी का एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल. ठीक है, तो सी these are streptococcus pneumoniae. ठीक है, कोकाय, हाँ कोकाय means round. these are staphylococcus aureus. staphylococcus aureus, देखो बैक्टीरिया के अलग अलग नाम होते हैं. अब स्ट्रेप्टो और स्टेफिलो का एक मतलब मैं आपको बता देती हूँ. स्ट्रेप्टो का मीनिंग आपको याद रखना है चेन, what chain, and staphylo का मीनिंग आपको याद रखना है cluster, we can say, या बंच. ठीक, स्टेफिलोकोकस, देखो हियर आल्सो वी कैन से स्फेरिकल शेप से टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर. बैक्टीरिया है ये किस टाइप का बैक्टीरिया है, स्फेरिकल शेप का. देखो बैक्टीरिया फॉर्म ए क्लस्टर, एक बंच में है, उसको कहते हैं स्टेफिलो, याद रहेगा स्टेफिलो. यही बैक्टीरिया अगर एक लीनियर लाइन में अरेंज हो जाए कोकाय के बेसिस पे, तो हम क्या कहेंगे उसको, स्ट्रेप्टो, स्ट्रिप. ये इजी टू अंडरस्टैंड इज व्हाट, स्ट्रिप. स्ट्रिप कैसे होती है, स्ट्रिप होती है, नॉट लीनियर, ऐसे वी कैन से स्ट्रेप्टोकोकस ऐसे दिखाया है, ऐसे भी दिखा सकते हैं, बट एक चेन है. वॉट एवर इज अ लीनियर, वॉट एवर इज अ वर्टिकल, वॉट एवर इज अ हॉरिजॉन्टल, सी हियर, तो सी हियर स्ट्रेप्टोबैसिलस. स्ट्रेप्टो वर्ड अगेन रिपीट, but bacillus word is also there, means these are rod shape, these are rod shape. If I'm talking about this kind of structure vertical, to ye kya hai, rod shape. dekho ye koi cocci shape nahi hai, these are bacilli. theek hai, some are clostridium tetani, some are rod, legionella pneumonia, some are trypanosoma, trypanoma pallidum, some are vibrio having a quama shape, trypanium, tryponema pallidum having spiral shape, right, and these are staphylococcus, this salmonella typhi, sorry salmonella type. theek hai, is type ka hai, somewhat ek single rod ke hai aur uske upar aise flagella. theek hai, ek basic shape design ki baat ho rahi hai, aap ye nahi kehna mam isme to flagella aa gaya, main basic design ki baat kar, ek basic shape uska kya. ठीक है, देखो समर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. ठीक है, इसका शेप हम स्पाइरल में कंसीडर करते हैं, बिकॉज ये आपको ऐसे, दिस इज नॉट एट ऑल रॉड शेप, दिस इज समवॉट व्हाट, स्पाइरल. ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बहुत ज्यादा हार्मफुल काइंड ऑफ क्या है, बैक्टीरिया है. किसी को पता है इसके बारे में, तो ये हमने अलग अलग नाम रखे कि उसके बेसिस पे आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि कोकाय मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोकाय. ठीक है, तो कोकाय मीन्स राउंड शेप, रॉड शेप जो होते हैं वो बैसिलाइज होते हैं, जो क्वामा शेप होते हैं वो विब्रिय होते हैं, और जो स्पाइरल शेप होते हैं उसको कहते हैं हम स्पिरिल. ठीक है, तो ये बेसिक है. नो, सिद्धेश सेज नो,
हेलिकोबैक्टर पायलोरी इतना हार्मफुल काइंड ऑफ बैक्टीरिया है कि वो क्या करता है, वो आपके आपके स्टमक में अल्सर करता है. क्या क्रिएट करता है? अल्सर. अल्सर मीन्स पस जम जाना और ये कुछ. ठीक है, अब स्टमक में जो भी यूरिया काइंड ऑफ होता है, जो भी स्टमक में यूरिया होता है, ये जो हेलिकोबैक्टर पायलोरी होता है, जिसे हमें बताने की जरूरत नहीं, बट जस्ट बता रही हूँ मैं. हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो होता है, इसमें इसके इफ दैट हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन विल बी देयर इन स्टमक, सो तो ये जो भी यूरिया होता है, यू नो ना, सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज ऑल्सो देयर एवरीवेयर इन अवर बॉडी. सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज देयर बिकॉज आपको क्या पता है कि यूरिया सिर्फ एक्सक्रीटरी वेस्ट है? यस, यूरिया इज एक्सक्रीटरी वेस्ट. हम यूरियोटेलिक है, yes, but some amount of urea is also there that please take part in a metabolic activity. ठीक है, तो ये यूरिया जो some amount में है, उसका कोई particular role होता है हमारे body में, तो ये क्या करते हैं, उस यूरिया को, उस बैक्टीरिया के पास ऐसे कोई एंजाइम्स होते हैं, ऐसे कोई जीन्स होते हैं कि जो ऐसा कोई एंजाइम सीक्रेट करते हैं कि जो इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? अमोनिया में. और जैसे ये अमोनिया, जैसे ही अमोनिया फॉर्म हुआ, तो ये जो स्टमक की जो लाइनिंग्स होती है, इस लाइनिंग को क्या कर देता है? डिस्ट्रप्ट, डिग्रेड, डिस्ट्रॉय कर देता है. क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है. एक पर्टिकुलर टाइप की पस फॉर्मेशन या अल्सर जनरेट हो जाता है. हाउ डज इट एंटर इन टू आवर बॉडी? इट मैक्सिमम वे ऑफ एंट्री इज योर वॉटर एंड वी कैन से फूड बॉर्न. ठीक है, सो बट ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस में एंटर होगा, जब आपको बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट इज देयर, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड चीज आप कुछ ले रहे हो, या एक्सट्रीम आप कह सकते हो कि फूड बहुत ज्यादा खराब है, तो की बात. तो मुझे ये कहना है आपको कि यहाँ पे ये सेल्स को क्या कर देता है, अमोनिया प्रेजेंट होने की वजह से, अमोनिया इज अ टॉक्सिक वन, ये सेल्स को गला देता है, कैसे डिग्रेड कर देता है, और तब वहां पे अल्सर फॉर्म हो जाते हैं. और जो ऐसे पर्सन होते हैं जिनके बॉडी में हेलिकोबैक्टर पायलोरी का इन्फेक्शन हो गया, उनके ना ब्रीथ से यानी जो सांस लेते हैं, उससे वो अमोनिया का स्मेल भी आता है. ठीक है, तो दिस इज जस्ट ए नॉर्मल वन, जस्ट एक आया तो मैंने आपको जस्ट बता दिया, बट यू डोंट, अगर आपको साइड याद रखना है तो रखो, नहीं तो इसके बारे में इतना कुछ नहीं है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल टॉपिक, ठीक है, मैंने ऐसे बताया. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम जिस पे फोकस कर रहे हैं उस पे ही चलते हैं. ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट अ सुपरफिशियल आइडिया या बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट योर बैक्टीरियल, योर सेवरल शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. क्लियर? व्हाट इज स्टेफिलो, व्हाट इज स्ट्रेप्टो, बेसिक आइडिया हमें रखना है. स्पायरोसाइट्स आर ऑल्सो देयर, दीज आर स्पिरुलिनम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. स्पायरोसिस में थोड़े फ्लैजुलस जो अरेंजमेंट्स होती है वो अलग होती है. मैं क्या करूंगी हर्ष कोटे बार, मैं आपको एक उसकी एक और स्लाइड दे दूंगी. ठीक है, बट स्पायरोसिस और स्पायरोस्पिरुलिनम ऐसे कोई डिफरेंसेस नहीं आते. ठीक है, एक ऐसी डायग्राम दूंगी जिसमें स्पायरोस्पिरुलिनम अलग रहेगा, स्पायरोसिस अलग रहेगा. हर्ष कोटे बार, यू आर अ न्यू वन हर्ष, आप न्यू हो बेटा? यस. देखो हम वैसे ही बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, डिटेल में ही पढ़ रहे हैं हम, इसी चीज को मैं छोड़ नहीं रही हूँ. हर कोई आपके इवन आपके एनसीईआरटी की लाइनिंग को लेके, लाइंस जो होती है बुक्स की, इवन आपके स्टेट के बुक्स की जो लाइन होती है, स्टेट के बुक्स की लाइनिंग्स लाइंस जो होती है ना, कभी कभी जो वर्ड्स लिखते हैं वो मुझे कभी कभी घुमा फिरा के लग रहे हैं. तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है मैं उसको एनसीईआरटी के बेसिस पे समझा रही हूँ. ऑब्वियसली एनसीईआरटी से बाइबल पर जितना स्टेट की भी बुक प्रॉपर नहीं होगी, उसमें भी कुछ करेक्ट कुछ वी कैन से एरर्स विल बी देयर स्टेट की बुक में, बट एनसीईआरटी की बुक में कभी भी एरर नहीं आ सकता, कभी भी एरर नहीं आएंगे, आप देख लो. ठीक है, और जो बुक जो उसकी जो डायग्राम्स होते हैं, एवरीथिंग इज वेरी वेरी परफेक्ट. और अगर आप स्टेट लेवल पे पढ़ रहे हो, देन ऑल्सो एनसीईआरटी इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज सभी कुछ स्टेट में जो है वो एनसीईआरटी में इंक्लूड है. ऐसा कुछ हो सकता है जो स्टेट में नहीं है वो भी एनसीईआरटी में. ठीक है, और हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं दैट इज इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, समझना ही है हमें, कोई रटना नहीं. जहाँ पे रटना होगा वहां पे रटना भी होगा. फॉर एग्जाम्पल, अब कोकाए कौन से होते हैं, रॉड कैसे होते हैं, यहाँ पे तो यू दीज ऑल आर व्हाट
memorizing fact that you need to that you need to learn, we can say. ठीक है, स्पिरुलिना एंड स्पाइरोचिट्स. ठीक है, हर्ष कोटेवा, we will see that. ठीक है, हर्ष, आज मेरा टारगेट क्या है कि मुझे यूकेरियोट को जस्ट टच तो भी करना, समझ रहे हो? अब बिकॉज मेरे आज की मीटिंग का नाम भी डाला है इंट्रोडक्शन ऑफ यूकेरियोटिक्स. सो प्लाज्मिड की बात करते हैं. प्लाज्मिड की बात इसके पहले भी की है हमने. यस बच्चो, यस और नो? चलो फटाफट बता दो वॉट एग्जैक्टली प्लाज्मिड इज. बच्चों बताओ आज प्लाज्मिड क्या होते हैं. इसमें क्वेश्चन दिखा मुझे तो मैंने इस टॉपिक को ऐड किया है. प्लाज्मिड पे नहीं, प्लाज्मिड से रिलेटेड और एक क्वेश्चन था और प्लाज्मिड से एक रिलेटेड क्वेश्चन था नेट में. तो व्हाट एग्जैक्टली एक्स्ट्रा डीएनए? चलो तिलक से एक्स्ट्रा डीएनए, तो वेरी गुड. अब हम थोड़ा सा देखते हैं प्लाज्मिड के बारे में. आपके स्टेट बुक में प्लाज्मिड के बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन दिए हुए. ठीक है, अब प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल. अगर हम किसकी बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, मैं सिर्फ बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ जब मैं प्लाज्मिड की बात करती हूँ. ठीक है, दिस इज अ मेन क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोम है और ये जो अलग से एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो होता है, ये अपार्ट फ्रॉम दैट बैक्टीरिया मेन क्रोमोसोम, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, दिस इज अ मेन जो जीन्स होंगे बैक्टीरिया में जो काम करेंगे, जो परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी बैक्टीरिया के बॉडी में, बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म जो चलाएंगे, तो सब कुछ जीन्स ये है. तो ये क्या कर रहे हैं फिर साइड? इनका छोटा बड़ा रोल होता है बट मेन मेटाबॉलिज्म में इनका रोल नहीं होता. मेन मेटाबॉलिज्म में इनका रोल नहीं होता. भावार्थ, यू आर ऑल्सो न्यू वन. बापरे कितने सारे बच्चे जो नए. ठीक है, भावार्थ, देखो भाविका और भूमिका की कम थी, अब भावार्थ भी आ गया. ठीक है, एक बॉय है तो मुझे याद रहेगा. ठीक है, अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी सर्कुलर प्लाज्मिड्स एक भी हो सकता है, प्लाज्मिड मेनी भी हो सकते हैं एक बैक्टीरियल सेल. ठीक है, पर उस बैक्टीरिया का जो खुद का क्रोमोसोम रहेगा वो तो एक ही रहेगा जो कि सर्कुलर रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं कि न्यूक्लियोलस कहते हैं. क्या कहते हैं बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को, क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोइड. देखो बेटा, न्यूक्लियोइड कहते हैं, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा. न्यूक्लियोलस से उसको उसको कंफ्यूज नहीं करेगा. न्यूक्लियोइड डेडिकेटेड फॉर बैक्टीरिया, न्यूक्लियोलस आगे आएगा, दैट इज अ डिफरेंट वन. ठीक है, अब ये जो अलग से जो ब्लू लाइनिंग जो है, जो ब्लू सर्कुलर आपको रिंग दिख रही है, उसको ही मैं प्लाज्मिड कह रही हूँ. मेन क्रोमोसोम से वो एक्स्ट्रा है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद के पास सब कुछ है उसका, खुद ही मल्टीप्लाई होगा, खुद ही अपना काम करेगा, सब कुछ खुद. इसको डिस्टर्ब, इसको इस पे डिपेंडेंट नहीं है इन जनरल. सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड और यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं. अब बैक्टीरिया प्लाज्मिड्स तो देख लिए हमने, तो प्लाज्मिड के अलग अलग टाइप तो देखते हैं. ये है अलग अलग टाइप. आपके स्टेट में, स्टेट बुक में सिर्फ ये दो टाइप दिए, सिर्फ ये दो टाइप. अब टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियल प्लाज्मिड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, किस टाइप का जीन होगा. बिकॉज प्लाज्मिड इज व्हाट, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए ना, डीएनए है, और डीएनए इज व्हाट, डॉली. डॉली कितना लेट हो बेटा आप, हाँ वैसे मैंने 5 मिनट लेट मीटिंग अरेंज, मीटिंग स्टार्ट की है. नेक्स्ट टाइम से डॉली ठीक सही टाइम पे आया करो प्लीज. हाँ, तो जो ये मैं प्लाज्मिड की बात करी, तो डीएनए है ना जो सर्कुलर है, डीएनए के ऊपर देर आर सो मेनी जीन्स, देर आर सो मेनी जीन्स. तो हर कोई प्लाज्मिड की अपनी एक स्पेशलिटी. कोई कोई प्लाज्मिड एफ प्लाज्मिड होते हैं क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट ले सकते हैं. क्या ले सकते हैं? कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट ले सकते हैं, मीन्स कोई कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बना सकते हैं. तो अब मुझे ना पूछना मैडम ये कॉन्जुगेटिंग ट्यूब क्यों बनती है और होते क्या है, आपको पता है? ये कॉन्जुगेटिंग ट्यूब फॉर्मेशन में या प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट लेती है, इसलिए इसको कहते हैं एफ प्लाज्मिड. इसको मैं और डिटेल में लेके जाऊंगी थोड़ा सा,
जब मैं एपिजोम की बात कर रही हूँ, ये फोल्ड में, इसमें ये फोल्ड पे, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज व्हाट एफ प्लाज्मिड दैट आर कैपेबल ऑफ कॉन्जुगेशन और मेटिंग। मेटिंग यानी सम काइंड ऑफ डीएनए ट्रांसफर या जीन ट्रांसफर की बात करते हैं, कुछ मेटिंग होती है, फ्यूजन होती है, फ्यूजन बिटवीन द टू डीएनए, वी कैन से ट्रांसफर ऑफ डीएनए। हर्ष कोटे पर, वेरी गुड हर्ष, चलो हर्ष आया तो लेट है बट हर्ष को संभव एक इनिशियल आइडिया है, ठीक है चलो। तो एक कॉन्जुगेशन के लिए कैपेबल है, कॉन्जुगेशन मीन्स डीएनए का ट्रांसफर, ठीक है। एफ प्लाज्मिड कहते हैं इसको, दिस इज अ फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ठीक। रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, कभी कभी कोई कोई प्लाज्मिड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें ऐसा कोई जीन होता है जो कि रेजिस्टेंस डेवलप करने में हेल्प करता है, जो हेल्प करता है उस बैक्टीरिया को जिसमें वो प्लाज्मिड है, जिसमें रेजिस्टेंट काइंड ऑफ जीन है। प्लाज्मिड के अंदर ऐसा जीन है कि जो अगर बैक्टीरिया पर्टिकुलर, आप कोई ड्रग ले लो तो वो बैक्टीरिया उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उससे बच के निकल जाएगा, वो बैक्टीरिया के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म, बैक्टीरिया का एक डिफेंस मैकेनिज्म कौन दे रहा है, प्लाज्मिड दे रहा है जो साइड में उसके बैठा हुआ है। देखो इसको तकलीफ तो कुछ नहीं दे रहा, पर उसको छोटी छोटी चीजों में, मेन मेन चीजों में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो ऐसे प्लाज्मिड जो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक और ड्रग्स, उनको हम कहते हैं आर फैक्टर कहो या वी कैन से आर प्लाज्मिड्स कहो, ठीक है। ये दो ही प्लाज्मिड आपके लेवल पे इंक्लूड है आपके स्टेट पे, ठीक है, विद पिलस, विद पिलस। यस भावार्थ पिलाई फॉर्म्स होते हैं, और पिलाई क्या करते हैं, एक डीएनए से, एक बैक्टीरिया से डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रैवल करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मेशन ऑफ पिला, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म करते हैं, पिलाइज इन्वॉल्व होते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है। तो उसके कॉन्जुगेशन ट्यूब के लिए पिलाइट एक पार्ट लेता है जो बाहर से प्रोट्रूडिंग है, बट एक पिलाई की जो आउटग्रोथ होती है उसके लिए भी तो कोई जीन लगेंगे ना, जो जीन उसको डेवलप करने में हेल्प करेंगे, तो वो जीन होते हैं एफ प्लाज्मिड के पास, समझ रहे हो, ठीक। कॉल प्लाज्मिड होता है जो कि कंटेनिंग जीन दैट कोड्स फॉर कोल, दैट कोड्स फॉर कोलीसीन, ऐसा कोई प्लाज्मिड जिसके अंदर ऐसा कोई जीन है जो कोलीसीन जीन है, ऐसा कोई कोलीसीन की जो प्रोटीन, दैट इज अ प्रोटीन, कोलीसीन इज नथिंग बट व्हाट, प्रोटीन दैट कैन किल अदर बैक्टीरिया। यहाँ पे हमने जब बात की, हमने एंटीबायोटिक की बात की, अगेंस्ट लाइफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक ड्रग्स उसके अगेंस्ट के रेजिस्टेंस से बात की, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होगा। यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ऐसा कोई बैक्टीरिया है जो कि खुद में टॉक्सिक जीन लेके चल रहा है, जो कि टॉक्सिक जीन आगे ऐसा कोई प्रोटीन फॉर्म करेगा कि जो उसको तो नहीं मारेगा, पर उसके साइड में उसके जो दूसरे लोग हैं, दूसरे अदर बैक्टीरिया है जो वहां पे अपना पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता है, तो ये जो बैक्टीरिया ये कहेगा कि अरे मेरे पास कोल प्लाज्मिड है, कोल प्लाज्मिड हैविंग कोलीसीन जीन, ऐसा कोई कोलीसीन जीन जो कोलीसीन प्रोटीन फॉर्म करेगा, और इस प्रोटीन से यार मैं तो इनको मार सकता हूँ, मैं तो ये साइड वाले लोगों को मार दूँ, क्योंकि मैं तो, मेरे पास तो अलग टाइप का एक प्लाज्मिड है जिसके नाम के कोल प्लाज्मिड, बहुत ज्यादा हार्मफुल वरुलेंट बैक्टीरियाज होते हैं उनमें इस टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, ठीक है। कोई डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड होते हैं कि जो कि डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड मीन्स, अगर ये बैक्टीरिया, अगर ये बैक्टीरिया है उसके अंदर ऐसा कोई जीन है जो कि डिग्रेडेटिव, डिग्रेड किसी पर्टिकुलर अननेसेसरी सब्सटेंस को डिग्रेड करने की कैपेसिटी रखता है, तो उसके सराउंडिंग में जो भी अननेसेसरी सब्सटेंसेस रहेंगे, या वी कैन से दैट पोल्यूटेंट रहेंगे, पोल्यूटेंट रहेंगे, तो उसको क्या करेगा, डिग्रेड करेगा, ऐसी कोई अननेसेसरी सब्सटेंस को वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। यहाँ पे लिखा है टोलुइन और सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब ऐसे कोई प्लाज्मिड्स होते हैं जो उनको वरुलेंस कहते हैं, आपको तो पता है वरुलेंस क्या है, जो कि किसी डिजीज कॉज करे, तो ये बैक्टीरिया को क्या करते हैं,
टर्न इनटू पैथोजन. बैक्टीरिया को पैथोजन में टर्न करना मीन्स एक सिंपल सा बेचारा सा सीधा सीधा बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया को किस में कन्वर्ट कर रहा है, उसको पैथोजेनिक बना रहा है, वरुलेंट बना रहा है. पहले उसकी पोटेंशियल इतनी ज्यादा नहीं थी, पर अब ये प्लाज्मिड किसी वे में अगर उसके बॉडी में एंटर हो गया है, कोई पाइलस से, कोई कॉन्जुगेशन से, कैसे भी, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा उसके बॉडी में. अब अदरवाइज ये भी हो सकता है कि पहले तो ये प्लाज्मिड सिंपल बैठा हुआ था, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, एकाएक उसके बॉडी में ऐसी कोई सराउंडिंग में ऐसी कोई सब्सटेंसेस आ गए कि अब लग रहा है इस बैक्टीरिया को कि हाँ क्या मैं थोड़ा सा खुद को वरुलेंट बना लूं, क्योंकि साइड के लोग ना ज्यादा मुझे डोमिनेट कर रहे हैं, क्या मैं खुद को थोड़ा वरुलेंट बना लूं, थोड़ी मेरी पैथोजेनिसिटी को बढ़ा दूं, ऐसा कर लूं, तो चलो यार मेरे पास जो जीन है उस जीन को एक्सप्रेस करते हैं और वो जीन है वरुलेंट, वो जीन है वरुलेंस कॉज करने वाला, मीन्स कोई डिजीज कॉज करने वाला, और वो किस प्लाज्मिड में बैठा है, वरुलेंस प्लाज्मिड में. एक प्लाज्मिड है जिसमें ऐसे पर्टिकुलर जीन है जिसको हम वरुलेंट जीन कहते हैं, और उस प्लाज्मिड का नाम दे दिया हमने वरुलेंट प्लाज्मिड. ठीक है, अब वो बैक्टीरिया क्या करेगा, पैथोजन में कन्वर्ट हो जाएगा. पैथोजन का मतलब है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा. पहले तो नॉर्मली था, वो टर्न द बैक्टीरिया इनटू पैथोजन. इसमें आपको ये दोनों याद रखने हैं, बाकी के आपको सुपरफिशियल आइडिया होनी चाहिए. अगर चार ऑप्शंस दे दिया और इसमें कोल प्लाज्मिड दे दिया या डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड दे दिया, तो एटलीस्ट पता तो रहे कि कोल और डिग्रेडेटिव होते क्या है. ठीक है, उस बेसिस पे आप उसको फिर इनको क्या कर सकते हो, वी कैन से कि स्क्रीन कर सकते हो कि हाँ दिस इज माय राइट आंसर. सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड. मुझे लगता है इसके बारे में आपको क्लियर हो गया है, तो हम एपिसोम पे चलते हैं. इस पे चलते हैं, एपिसोम पे. फटाफट मुझे एक थम्स अप दे दो कि ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन. सो आई विल स्विच टू अवर एपिसोम पे. बताओ जल्दी, नहीं तो हमारे तो अभी मीटिंग पता है हमारी कभी भी बंद हो जाती है हर बार. फटाफट बताओ बच्चों, ये ओके थम्स अप एक है जो मुझे, यस मैम क्लियर. दिव्या सेज, यामिनी सेज, ये जो मुझे इस टाइप से दिख रहा है, देखो ये थम्स अप होगा ना. ओके ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे भी आ गए थम्स अप. हाँ दुर्वास सेज, हाँ थम्स अप. ठीक है, किसी के ना नेम प्रोनाउंसिएशन या समथिंग, जैसे प्रशंसा का था, अभी भी मुझे कंफ्यूजन है कि मैं ठीक से बात बोलती हूँ प्रशंसा का नाम कि नहीं, थोड़ा मैनेज कर लेना यार. ठीक है, यस यस यस. चल, एपिसोम क्या होता है, एपिसोम. ठीक है, एपिसोम के बारे में मुझे एक दो क्वेश्चंस दिखे और एक दो यहाँ पे मुझे क्या दिखे, ऑप्शंस में दिखा एपिसोम. तो मैंने सोचा क्यों छोड़ दे इसको, वैसे भी ऐसा कौन सा हार्ड हार्ड कंसेप्ट है जो मैं हमारे बच्चों को नहीं समझेगा. ठीक है, अब प्लाज्मिड पढ़ लिया, सब पता है. अब प्लाज्मिड का एक स्पेशल कैटेगरी पढ़ते हैं, एपिसोम. ठीक, देखो आ गए एफ प्लाज्मिड, रनिंग आउट, टाइमिंग रनिंग आउट होना स्टार्ट हो गया. एटलीस्ट हमारा एपिसोम खत्म होना चाहिए 10 मिनट में. देखो आ गया एफ प्लाज्मिड, मैंने कहा था आपको होल्ड पे रखो, क्या करो इसको, होल्ड पे रखो. ठीक है, ऐसे कोई प्लाज्मिड जो कि बैक्टीरिया के खुद के क्रोमोसोम के साइड में बेचारे पड़े हुए हैं और अपना काम कर रहे, कभी रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे, कभी कोलसीन फॉर्म कर रहे, कभी साइट के पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड कर रहे, ऑल दिस फाइन, कोई प्रॉब्लम. अब कभी कभी ये प्लाज्मिड ना बड़े स्मार्ट हो जाते, सोचते कि क्यों ना मेरे साइड में इतना सारा क्रोमोसोम बैठा हुआ है, कभी इसके घर में तो गया नहीं मैं, चलो चलो इसके घर में चले जाते हैं, इसको पूछते हैं कैसे हो क्या हो. ठीक है, तो ये सोच रहा है कि क्यों ना मैं इसके साथ इंटीग्रेट हो जाऊं, क्या हो जाऊं, इंटीग्रेट हो जाऊं, क्यों ना मैं अपना डीएनए इसमें ऐड कर दूं. ठीक है, क्यों ना मैं अपना डीएनए, एक मिनट बच्चों, क्यों ना मैं अपना डीएनए इसमें ऐड कर दूं. दिस इज अ टाइप, दिस इज अ मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन. अ प्लाज्मिड दैट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू अ क्रोमोसोम, इनटू अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम. That kind of special kind of plasmid are called as
एपिजोम्स. ठीक बच्चों, ठीक है, दिस इज व्हाट एपिजोम. मुझे ये बताना है सिर्फ आप. व्हाट इज ट्रांसपोजोम्स? ये एक जंक डीएनए होता है. क्या होता है आपके बॉडी में? जंक डीएनए, मोबाइल डीएनए, जो उछल उछल के कहीं पे भी जाके एंटर हो सकता है, उसको हम ट्रांसपोजोम कहते हैं. मूवेबल जेनेटिक मटेरियल एलिमेंट्स, कभी कभी बॉडी में अलग अलग छोटे छोटे होते हैं जेनेटिक एलिमेंट्स, जो कि इधर से कभी इधर मूव हो सकते हैं, कभी इधर से इस साइड से ही इस साइड में मूव हो जाएंगे, तो उसको कहते हैं जंक डीएनए. एक कहीं में भी वो छलांग लगा सकते, कभी भी वो जंक कर सकते, जंक डीएनए कहते हैं उसको. ठीक है, अब अननेसेसरी भी कह सकते, जंक फूड काइंड ऑफ अननेसेसरी मूवेबल जेनेटिक एलिमेंट्स होते रहते हैं. इसके बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है, मूवेबल जेनेटिक मटेरियल हमें देखना है इसको, जो कि स्मार्टनेस दिखा रहा है, जो कि स्मार्टनेस दिखा रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है क्रोमोसोम के साथ, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ. अब इसको इस टाइप से समझो, अब क्या हो गया ना, दो प्लाज्मिड है, सॉरी दो बैक्टीरिया है, और दो बैक्टीरिया के बीच में, थोड़ा रफली बनाते बच्चों, तो मुझे कंप्लीट करना है ये, सो दैट की मीटिंग एंड होगी, मैं फिर से मीटिंग स्टार्ट करूंगी, बट इन बिटवीन दैट रिकॉर्डिंग टाइम, इट टेक्स सम टाइम फॉर रिकॉर्डिंग, सो यू नीड टू वेट फॉर 5 मिनट एटलीस्ट. लास्ट क्लास में मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लगा था. हाँ, तो अब ये क्या करता है, ये जो प्लाज्मिड होता है, ये जो प्लाज्मिड है, कंप्लीट प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए, इसमें एंटर हो जाता है, दूसरे बैक्टीरिया में, और दूसरे बैक्टीरिया में एंटर होने के बाद उसका जो खुद का जो डीएनए है, उस खुद के डीएनए में ये क्या हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है. उसके डीएनए में क्या हो जाता है, ये भी बीच में ऐसे इंटीग्रेट हो जाता है, और खुद का डीएनए, खुद का जो प्लाज्मिड है, उसके अंदर जो खुद की जो जीन्स है, ये जीन्स किस में चले गए बेटा, अभी दूसरे बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम में चले गए. अब वो बैक्टीरिया अपने काम, जब अपना मेटाबोलिज्म दिखाएगा, जब खुद एक्सप्रेस होगा, जब खुद की बॉडी के लिए कोई प्रोटीन को फॉर्म करेगा, तो अल्टीमेटली ये वाले जीन भी साथ में उसके क्या होंगे, वर्क करेंगे. अभी अलग नहीं रहा, अभी इंटीग्रेशन हो गया है इसका, इंटीग्रेट हो गया है. जो प्लाज्मिड जिनमें इंटीग्रेशन की एबिलिटी होती है, जो इंटीग्रेट हो सकते हैं, उनको कहते हैं हम एपिजोम. और उसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है एफ प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड. समझ रहे हो क्यों फर्टिलिटी प्लाज्मिड कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल हो रहा है, और फर्टिलिटी मीन्स रिप्रोडक्शन की बात, रिप्रोडक्शन अगर हम कहते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक जेनेटिक मटेरियल दूसरे एक जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है, हम ऐसे कहते हैं. इसमें हम ऑफस्प्रिंग की बात नहीं करेंगे, तो हम ये बात करेंगे कि साइट के दूसरे बैक्टीरिया में एक डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, ट्रैवल तो हो रहा है, मीन उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन दूसरे इसमें ट्रैवल हो रही है, और वो भी इंटीग्रेट भी हो रही है. इस टाइप की प्लाज्मिड को कहते हैं एफ प्लाज्मिड या फर्टिलिटी प्लाज्मिड. देखो काफी अच्छा एग्जांपल भी दिया है. ठीक है, वी हैव अनदर 4.5 मिनट. ठीक है, एपिजोम को फटाफट देख लेते हैं. अब उसके बाद में आपसे पूछ लूंगी कि आपको समझा कि नहीं. अब एपिजोम देखो, अ पोर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल that can exist independent of the chromosome to some times. देखो जैसे कि मैंने अभी कहा आपको, that can exist independent to the chromosome to some time. देखो exist independent हो रहा है, at some time, while at other time is able to integrate into the chromosome, but एक टाइम में वो इंडिपेंडेंसी शो कर रहा है, अलग से रह रहा है, और एट द अदर टाइम इट विल शो इंटीग्रेशन टू द मेन क्रोमोसोम. ठीक है, ऐसे प्लाज्मिड जो ऐसे काम करते, इंटीग्रेशन का घुसने का किसी के घर में, अब
तो उसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एपिसोम इज अ प्लाज्मिड बट स्पेशल काइंड ऑफ, जिसमें की इंटीग्रेशन की एबिलिटी. ठीक है, एग्जांपल्स देखो. एग्जांपल्स क्या है, ट्रांसपोजोन, जैसे कि मैंने कहा आपको जंक डीएनए, जो जंक भी कहते हैं और जंप भी कहते हैं. जंप करना है ना, इधर से उधर छलांग लगाना, मूव करना, जंक डीएनए भी कहते हैं और जंक भी कहते हैं. कभी कभी ये सीक्वेंस मेन बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म में टेक पार्ट नहीं लेता, और जो फूड हम खाते हैं जिसको हम जंक फूड कहते हैं वो हमें न्यूट्रिशन नहीं देता, जस्ट बॉडी को, जस्ट हमारा क्या करता है, स्टमक को फुलफिल करता है. ठीक, ऐसे ही होता है. तो इसीलिए ऐसा कोई डीएनए कि जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म में टेक पार्ट नहीं ले रहा है, बट उसका कोई एक अदर कोई फंक्शन होगा, छोटा बड़ा इंसर्शनल सीक्वेंस ऐसा कुछ होगा, जो कि हम मॉल बायो में पढ़ेंगे कभी अगर आगे, तो उसको कहते हैं हम जंक डीएनए, क्योंकि अननेसेसरी है, बहुत ज्यादा इतना वेटेज नहीं है. और जंप भी क्यों, क्योंकि मूव भी हो सकता है, कहीं से भी कहीं छलांग लगा सकते, बीच में से जगह घुस सकते. फिर इंटीग्रेशन दिखा रहे, तो एक टाइप का एपिसोम. एफ फैक्टर या एफ प्लाज्मिड की बात हमने ऑलरेडी कर ली, और आपको अगर बताना हो तो वायरस भी ना बड़े स्मार्ट होते हैं. वायरस ये भी क्या करते हैं, आपके बॉडी में आते हैं, आपके बॉडी में भी आ सकते हैं वायरस. अब ये वायरस जो है ये भी तो एपिसोम है, क्योंकि ये भी अपना डीएनए होस्ट के बॉडी में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है. और होस्ट का बेचारा खुद का जो डीएनए उसके अंदर क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है. ये वाला इंटीग्रेशन तो ये भी दिखा रहा है. फिर डिफरेंस क्या है इसके इंटीग्रेशन में और प्लाज्मिड के इंटीग्रेशन में. प्लाज्मिड जनरली हम बैक्टीरिया के बेसिस पे बात करते हैं, जिसमें कि इंटीग्रेशन का अगर फिनोमेनन आता है तो उसको हम एपिसोम कहेंगे, जो कि हमने देखा एफ प्लाज्मिड. पर वायरसेस, क्या वायरसेस सिर्फ बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट कर सकते, हमें नहीं करते, अदरवाइज कोविड वायरस कैसे आता. वायरसेस की बात अगर आती है तो एपिसोम की डिविजन ब्रॉड हो जाती. अब ये एपिसोम हम ये एपिसोम यूकैरियोट्स में भी डील कर सकते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी. ठीक है, यानी एपिसोम में कोई इंटीग्रेट हो रहा है, भले वो बैक्टीरिया के अंदर का प्लाज्मिड जिसको हम एपिसोम कहते हैं इन जनरल. बट सभी भी साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि अरे यार वायरस भी तो बाहर से आ रहा है, तो इसको भी हम एपिसोम ही कह सकते हैं, इसको भी एपिसोम की कैटेगरी में रखेंगे, भले उसकी ओरिजिन प्लाज्मिड ना रहे. तो अगर प्लाज्मिड ना रहे बट वो यूकैरियोटिक में रहेगा, इसमें रहेगा, यूकैरियोट्स में एंटर हो सकता है, प्रोकैरियोट्स में भी एंटर हो सकता है. इट कैन डिफीट्स वायरस. वी कैन से यस. अभी क्या नाम है बेटा आपका, कृष्णांश लाओ. देखो लेस देन वन मिनट. हाँ कृष्णांश, ठीक है. अब जो भी इंटीग्रेट हो रहा है हम इसको क्या कहते हैं, एपिसोम कहते हैं. ठीक है, एपिसोम कहते हैं. बैक्टीरिया के केस में वो प्लाज्मिड से ओरिजिनेट होता है, और वायरसेस के केस कहेंगे तो वो जस्ट बाहर से आ रहा है. सिंपल बात, दिस इज ऑल अबाउट एपिसोम. लेस देन वन मिनट है, मुझे फटाफट बता दो ठीक है कि नहीं है, तो मैं आगे चलूं.